तो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू sec x प्लस tan x। तो ये जो कथन है जो हमें सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करने के लिए आपको दो सर्वसमीकाएं या सूत्र की आवश्यकता होगी। पहला ये कि sin x इक्वल टू टू टाइम्स sin x बाई टू cos x बाई टू, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ही cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू, ये तीन सर्वसमीका या फार्मूले हैं जिसका कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है sec x प्लस tan x। sec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos x और tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। तो ये आ जाएगा 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। क्यों? क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, तो इस वजह से हमने tan x को इस तरीके से लिख लिया। और sec x जो होता है वो 1 बाई cos x होता है। अब देखिए दोनों में जो हर है लघुतम समापवर्त, ये आएगा cos x और ये है 1 प्लस sin x। तो यहाँ पर ये जो 1 है उसको हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, अगर यहाँ पर हम थीटा बाई टू का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर भी ये थीटा बाई टू होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos स्क्वायर x बाई टू प्लस, ये जो sin x है इसे हम रिप्लेस कर देंगे 2 sin x बाई टू cos x बाई टू से। तो ये आ जाएगा 2 sin x बाई टू cos x बाई टू अपॉन, ये जो cos x है इसे हम रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू से। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू। अब ध्यान से देखिए कि sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos स्क्वायर x बाई टू प्लस 2 sin x बाई टू cos x बाई टू, ये a प्लस b के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के फॉर्म पे है। ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यदि a को हम रिप्लेस कर दें sin x बाई टू से और b को रिप्लेस कर दें cos x बाई टू से, तो आपको जो एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा वो यही होगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू, इसे हम इस तरीके से ही लिखेंगे। अब और आगे हल करने के लिए हम ये करते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अंश में जो है वो उसे हम उसी तरीके से लिखेंगे sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू का स्क्वायर अपॉन cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, ये a प्लस b आ गया, फिर हम लिखेंगे a माइनस b। तो cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, देखिए ये cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू यहाँ पर भी है और अंश में भी है, लेकिन घात दो है। तो इसे अब आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू, हर में ये राशि बचेगी cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। अब दोनों अर्थात अंश और हर दोनों से हम cos x बाई टू को कॉमन ले लेते हैं। तो जब cos x बाई टू को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस वन अपॉन cos x बाई टू वन माइनस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। cos x बाई टू cos x बाई टू कैंसल हो जाएगा, इसे हम आगे लिख सकते हैं 1 प्लस, ये जो टर्म इसे मैं पहले लिख रहा हूँ, और फिर sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू इसे हम लिख सकते हैं tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। ये cos x बाई टू cos x बाई टू ये दोनों कैंसल हो जाएगा।
अब इस तरीके का एक्सप्रेशन हमने पहले भी हल किया है जहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था कि 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 10 पाई बाई 4 से, प्लस 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें यही टर्म मिलेगा, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये जो 1 है उसे हम 10 पाई बाई 4 से रिप्लेस कर देते हैं इन टू 10 एक्स बाई 2। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये 10 ए प्लस बी से, ये जो एक्सप्रेशन है ये 10 ए प्लस बी का एक्सपेंशन है, वो क्या है 10 ए प्लस बी इक्वल टू, ये होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, ए पाई बाई 4 से रिप्लेस कर दीजिए और बी एक्स बाई 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे और आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो देखिए राइट हैंड साइड में पहुँचे थे, तो देखिए राइट हैंड साइड से चले थे और ये हमें लेफ्ट साइड तक पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x। तो अब हमें सिद्ध करना है कि कॉस 20 प्लस साइन 20 अपॉन कॉस 20 माइनस साइन 20 इक्वल टू 10 65। तो इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं, ऐसे प्रश्न जहाँ पर 10 और के बाद कोई डिग्री दी होती है, जनरली दो अलग अलग कोणों की, दो अलग अलग कोणों का योग ही होता है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद दिखाई दे रहा है कॉस 20 डिग्री, इससे हम प्रत्येक पद को भाग देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इसे हल करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है कॉस 20 प्लस साइन 20 अपॉन कॉस 20 माइनस साइन 20। अब प्रत्येक पद को हम कॉस 20, प्रत्येक पद को हम कॉस 20 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे कॉस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री अपॉन ये कॉस 20 डिग्री और ये कॉस 20 डिग्री जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 20 डिग्री, ये इसके इक्वल। देखिए ये दोनों पद समान है, उसी तरीके से ये दोनों पद समान है, इसे और आगे हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे इसको 10 20 डिग्री और फिर अपॉन ये 1 माइनस 10 20 डिग्री। इस तरीके के जितने भी प्रश्न हमने हल किए हैं उस पर यहाँ पर जो 1 है इसका उपयोग हमने किया है 10 पाई बाई 4 या फिर 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम लिख देंगे 10 45 डिग्री, फिर ये 10 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 से यदि हम 10 20 डिग्री का मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 20 डिग्री ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम 10 45 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 10 45 1 होता है, तो 10 45 इंटू 10 20। तो देखिए ये 10 ए प्लस बी के फॉर्म पे है, 10 ए प्लस बी इक्वल टू होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं इक्वल टू 10 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 65 डिग्री जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि cos 20 प्लस sin 20 अपॉन cos 20 माइनस sin 20 इक्वल टू 10 65 डिग्री। तो इस तरीके से हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, इसमें से पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें मिलेगा साइन ए कॉस कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। चलिए इसका सत्यापन देख लेते हैं, आसान है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो प्रथम दोनों पदों को आप ए कंसीडर करिए और दूसरे पद को बी कंसीडर करिए,
तो साइन ऑफ ए प्लस बी आपने देखा हुआ है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी आप लिख सकते हैं चूंकि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका उपयोग करके हमने ये लिखा हुआ है। अब साइन ऑफ ए प्लस बी है, फिर से इसका विस्तार करेंगे, साइन ए कॉस बी और फिर ये कॉस सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कॉस ए साइन बी और फिर ये कॉस सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी और फिर ये साइन सी का मल्टीप्लाई माइनस साइन ए साइन बी और फिर वो साइन सी। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये जो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है इसका विस्तार हमने लिखा है साइन ए कॉस बी इंटू साइन सी, ये पहला पद, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी ये दूसरा पद, फिर कॉस ए कॉस बी साइन सी ये तीसरा पद, और चौथा पद माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। इसमें दूसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी और फिर लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हम दो सूत्र देखेंगे, पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसमें से दूसरा सूत्र है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम इसका सत्यापन देखेंगे और फिर इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी ये इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और इसे हम इक्वल टू आगे भी हल करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम ये पद को लेकर के चलते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इसका हम विस्तार करके इस पद को लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है तो ये पद का वर्ग हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इस पद को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है इसे हम साइन स्क्वायर बी ही रहने देंगे। अब ये जो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए है इसे 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म पे हम लिख सकते हैं तो इसे हम आगे लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी फिर माइनस ये जो कॉस स्क्वायर है इसे हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर बी। अब इसको गुणा कर देते हैं तो पहला पद हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए
माइनस दूसरा पद साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर ये साइन स्क्वायर बी का वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर बी, और फिर ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो हमें मिलेगा प्लस, और फिर साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी। तो देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये जो हमें सिद्ध करना था हम सिद्ध कर चुके हैं, अब इससे आगे हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका इक्वल होगा। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है, समीकरण एक ही से नाम दे देते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से ये जो कॉस, इसी तरीके से जो साइन स्क्वायर बी है इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर ये माइनस वन और ये माइनस गुणा होकर क्या आ जाएगा प्लस, और फिर ये कॉस स्क्वायर बी। ये प्लस वन और ये माइनस वन दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ से मिल रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं। तो समीकरण एक व दो से देखिए ये पद इसके बराबर है और फिर ये पद को आगे हल करने पर हमें ये मिला। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक व दो से साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इक्वल टू है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ये इस तरीके से सिद्ध होता है। अब हमें इसका जो दूसरा प्रश्न है वो सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये जो होगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होगा, और ये इसका इक्वल हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो पहला प्रथम पद दिया गया है उसे हम लेकर के चलते हैं, पूर्व की भांति ही इसका हम सत्यापन करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी और फिर है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इसे आप लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये कॉस ए माइनस बी है, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म पे है तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर आपको रखना है कॉस स्क्वायर ए को, तो ये पद ज्यों का त्यों रहेगा, इसे हम चेंज करेंगे, और फिर साइन स्क्वायर बी, तो ये साइन स्क्वायर बी को हम एज इट इज रखेंगे और इस पद को बदल देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं इसको वन माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर ये साइन स्क्वायर बी। अब गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो हमें मिलेगा प्लस, फिर साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये पद और ये पद, ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको आगे मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मान लेते हैं समीकरण एक है तो हम ये वाला पद हम सिद्ध कर चुके हैं, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये इक्वल होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से ये जो साइन स्क्वायर बी है इसे आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये प्लस वन और ये माइनस वन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल टू है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, वह कुछ इस प्रकार है। इसमें पहले हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसे फॉर्म पे हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। सूत्र एक से यहाँ पर जो हम सूत्र लिखे हैं उसके अनुसार हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। इसे आगे हल करेंगे तो 6x प्लस 4x दैट इज 10x, और फिर साइन 6x माइनस 4x दैट इज 2x, या फिर इसे आप लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से हम अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो इसके लेफ्ट साइड को देखिए कि ये इन दोनों में से किसी फॉर्म को डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, इसे हम साइन के पदों में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये फार्मूले एक को बिलोंग कर रहा है डायरेक्टली। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म पे। तो इसे आप लिखेंगे साइन 6x प्लस 2x और फिर साइन 6x माइनस 2x, ये हमें मिल जाएगा साइन 8x और फिर मिल जाएगा साइन 4x, या फिर आप इसे लिख सकते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x, जो कि राइट हैंड साइड है। ये इस प्रकार सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल टू होगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखिए, अगर इस पूरे पद को ए मान लिया जाए, इस पूरे पद को बी मान लिया जाए, तो ये सूत्र एक से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी और फिर साइन ए माइनस बी। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो आगे हमें मिल जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा प्लस, ये देखिए ये बीटा और ये बीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन 2 अल्फा, और यहाँ पर देखिए कि ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर मिल रहा है हमें साइन ऑफ माइनस 2 बीटा। चूँकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आगे हम इसे लिखेंगे कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा टू साइन ऑफ 2 बीटा। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेंशन है आपने सूत्र में पढ़ा होगा, ये कॉस ए प्लस बी के फॉर्म पे है। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, या फिर दोनों से आप दो को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड है और ये प्रश्न भी सिद्ध हुआ।
अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए ये इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी के। तो चूंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही पद है और राइट हैंड साइड पे दो से अधिक पद हैं, तो हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी। तो ये जो पद है इसे हम एक तरीके से अरेंज कर लेते हैं, ये कि ये दूसरा पद है कॉस स्क्वायर बी, इसको हम पहले लिख रहे हैं, और फिर अगला पद है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी ये पद, और फिर अंत में हम ये पद लिख रहे हैं टू टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी इन टू कॉस ए कॉस बी। आगे कॉस स्क्वायर बी फिर इन दोनों पदों में देखिए कि कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी फिर माइनस टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी। अब इस पद का विस्तार करके आगे सरल करेंगे तो ये है कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फिर माइनस टू कॉस ए कॉस बी। देखिए ये कॉस ए कॉस बी है और ये माइनस टू कॉस ए कॉस बी है, तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी। तो आगे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और इस पद को हम पहले लिख रहे हैं साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। और इस माइनस वाले पद को यदि हम बाहर ले लें तो हम इसे लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन आ जाएगा, और फिर ये कॉस ए माइनस बी, और फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये है कॉस स्क्वायर बी फिर माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब कॉस स्क्वायर बी माइनस ये कॉस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आपने देखा है कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, तो हम इसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो इन दोनों पदों से हमें वन मिल जाएगा और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाई ये इक्वल टू होगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस कॉट ऑफ एक्स प्लस फाई इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, यहाँ पर है साइन एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाई। साइन ऑफ ए प्लस बी इस फॉर्म में हम इसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इसे सरल करने के लिए हम इसे लिख रहे हैं साइन ऑफ एक्स प्लस फाई प्लस थीटा माइनस फाई अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस फाई। देखिए यहाँ पर ये माइनस फाई और प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस थीटा। ये साइन एक्स प्लस थीटा को हमने कुछ इस तरीके से मैनेज किया है। अब इस पूरे पद को ए और पूरे पद को बी लेकर के हम विस्तार करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होगा साइन ए कॉस थीटा माइनस फाई फिर प्लस कॉस ए साइन बी।
अपॉन साइन एक्स प्लस फाई। अब पूरे अनुपात को, ये पद को इसके साथ, फिर प्लस इस पूरे पद को इसके साथ लिखेंगे। चलिए साइन एक्स प्लस फाई फिर कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन साइन एक्स प्लस फाई फिर प्लस कॉस एक्स प्लस फाई इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन साइन एक्स प्लस फाई। ये साइन एक्स प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा माइनस फाई प्लस। ये देखिए ये कॉस एक्स प्लस फाई और यहाँ पर भी साइन एंगल के लिए कॉस एक्स प्लस फाई है, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस फाई। और फिर अगला पद है साइन ऑफ थीटा माइनस फाई जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध होता है।